ସମାଜରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକର ଶେଖ୍ ରେହମାନ। ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସର ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାଉଁଶଗଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା 41 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ରେହମାନ। ସେ ହରିପୁର ରୋଡ଼ରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ରେହମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରେହମାନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। उड़िया बाजार से हूँ, जहाँ पर नेताजी सुभाष बोस चंद्र से जन्म हुए, मैं उसी मट्टी का हूँ और मैं 3 चकिया साइकिल लेके 3 बार दिल्ली का यात्रा कर चुका हूँ, एटा 4 टाइम है। और माननीय प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मंत्री से मिलूँगा, हमरे के लिए बहुत डेवलपमेंट का कुछ बातचीत करूँगा और उनको मेमोरेंडम दूँगा। यही मेरा सपना, यही लक्ष्य है मेरा। दिव्यांग के लिए अभी पूरा भारतवर्ष में वही हिसाब से डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट हो नहीं सका, तो इसी के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं मेमोरेंडम दूंगा कि हमारे जैसा नौकरी के क्षेत्र में जो हमारा परसेंट है वही हिसाब से हमको राजनीति में भी हम लोग का कोटा होना चाहिए। हम भी MP MLA राज्यसभा मेम्बर बन सकते हैं, तो मैं लेके जा रहा हूँ मेमोरेंडम। मैं साइकिल खुद अपने हाथ से बनाया हूँ, ये बहुत, एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर कवर करता है। मैं होल्डिंग मिस्त्री हूँ। देखिए, ये कोई सरकारी सुविधा, ये जर्नी का सरकारी सुविधा कुछ मिला नहीं, तो ये मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग के माध्यम से, डोनेशन से मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। तो ये यात्रा से मुझे सरकारी कोई मदद मिला नहीं, तो देश हमारा है, हम मिल माल के अगर जब रहेंगे तो हम बड़े से बड़ा काम मिल के काम कर सकते हैं, वो सबके लिए सुविधा हम दिला भी सकते हैं, ये मेरा सोच है। रात को रुकते कहाँ पे? रात को मैं रुकता हूँ और सर्किट हाउस में। अभी DM साहब से मेरा मुलाकात नहीं हो सकेगा, तो DM साहब कोई प्रोग्राम में व्यस्त हैं, तो मैं नसीम सर का दरगाह में रहूँगा, धन का दरगाह में रहूँगा, अपना तकलीफ बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास और उनके दुआ से मैं दिल्ली का सफ़र भी बहुत आसान से तय कर सकूँगा। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।